तो पेप्सी विल जस्ट डू द ट्रिक. ऑलराइट. एंड रणबीर को मैं जब भी देखता हूँ, मैं कितने भी पोजेस मार लूँ हैंडसम दिखने के लिए, मैं इनके सामने बिलो एवरेज दिखता हूँ. सो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा आज. बट यहाँ पर रणबीर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हेन यू आर आउट विद फ्रेंड्स एंड जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर रहे होते हो एंड यू आर गोइंग ऑल ब्लास्ट, तो व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर स्ट्रीट फूड व्हिच इज योर फेवरेट? देखो, मैं बचपन से मुंबई में पला बड़ा हूँ. तो मैंने यू नो बैंड्रा में जो यहाँ डोसा मिलता है, पालील पे जो सेव पूरी मिलती है, वो हॉस्पिटल है ना जू में, उसके बाहर जो अंडा पाव मिलता है, वहाँ से लेके फिर मैं एचआर कॉलेज गया था, कॉलेज के बाहर आपको चीज़ सादा डोसा मिलता है, चाइनीज़ खाना मिलता है, जो वेजिटेरियन सैंडविचेस मिलते हैं. तो आई थिंक जो जो आपकी रूह को जो एक हक देती है, आई थिंक वो खाना ही देती है. आई थिंक मुंबई स्ट्रीट फूड से बेहतर कुछ नहीं है जिंदगी में. ऑल राइट. एंड इनफैक्ट सिर्फ मुंबई नहीं, आप मैं दिल्ली के पराठे वाली गली में गया था एंड वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में आपकी तस्वीर है. रॉकस्टार के टाइम आप वहाँ पर जाके भी पराठे खाते हैं. सो नॉट जस्ट मुंबई बट ऑल अक्रॉस इंडिया यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, राइट? देखो, मैंने बहुत सुना है कि दिल्ली का खाना मुंबई से बेटर है, दिल्ली का खाना मुंबई से बेटर है. तो ऐसा मतलब अच्छा होता है ना कि आप दिल्ली जाए और देखें कि उनका खाना का टेस्ट कैसा है, यू नो व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ फूड देयर. जहाँ भी घूमा हूँ, आई एम कनेक्टेड टू द फूड ऑफ माई ओन सिटी मुंबई. सो आई विल ऑलवेज बी अ मुंबई स्ट्रीट फूड फैन. ऑल राइट. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्यों सूखे सूखे ही? एंड ऋषि आपको थोड़ा सा और बताएंगे कि एग्जैक्टली ये यहाँ पर कैंपेन के पीछे आइडिया क्या है. एंड वी आर गोना डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइट आफ्टर अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम ऋषि. ये बॉटल पे डाला है. ओके. एंड वी कॉलिंग दिस न्यू बॉटल्स द फूड इकॉन बॉटल्स. ऑल राइट. सो व्हाई डोंट वी जस्ट लॉन्च दैट? व्हाई डोंट वी जस्ट लॉन्च दैट? या रणबीर, आप आ ही गए हैं तो क्या करूं मैं? एंड दस वी आर लॉन्चिंग फूडिकॉन. एंड रणबीर, यू कैन सी कि बहुत चीजी बातें हो रही हैं यहाँ पर, वड़ी वड़ी बातें हो रही हैं. तो वड़ा पाव के साथ कुछ वड़ा करेंगे, चीजी चीज पिज्जा के साथ. तो कुछ कहना चाहेंगे इस फूडिकॉन के बारे में? वेल, आई थिंक इट्स अ फन कॉन्सेप्ट. यू नो, पेप्सी ऑलवेज एक इंगेजिंग फॉर्मेट लाती है, जो भी उनकी एक फिलॉसफी होती है बिहाइंड. इस बार क्योंकि क्यों सूखे सूखे ही, इट्स ऑलवेज फन, इट्स ऑलवेज इंगेजिंग, इट्स ऑलवेज यूथफुल एंड इट्स ऑलवेज ईजी. ऐसा कुछ डीप लेयर या मीनिंग नहीं होता. इट्स अबाउट हैविंग फन इन लाइफ, इट्स अबाउट बींग रियल, बींग विद फ्रेंड्स एंड स्टेइंग हैप्पी. And I think this is also a part of that same nature. Of course, you know, there are various contests you can win, there are various offers that also come from the bottles. So I'm excited. All right. Ladies and gentlemen, Ranbir Kapoor. And thank you so much to all our friends from the media. And you will soon see the foodicons in the stores near you. Thank you so much. Thank you so much, guys, that you guys came here. I hope Pepsi is feeding you with some good drinks and some food. But good seeing you guys and we'll hopefully see you very often. Thank you. Thank you so much, guys.